हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है फॉर स्पेशल जेनरिक जीई एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है वो सेमेस्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, ठीक है। और आप लोग सभी को पता होगा क्या आपका इसके पहले पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ, यानी सेमेस्टर 1 का, फिर सेमेस्टर 2 का हुआ, जो क्वेश्चन हम दिए जो बताएं बस वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली भिड़े थे, ठीक है। और प्रयास यही किया जा रहा है कि इस बार भी जो सेमेस्टर 3 में मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है, ठीक है। और हम इस वीडियो में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको अपने ओर से बताएंगे, ठीक है। और इसका आपको क्वेश्चन का आंसर के बारे में भी बताएंगे कि आपको क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे मिलेगा, कैसे तैयारी करना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है क्योंकि फेस्टिवल था, आप सभी को पता है, ठीक है। बट अब कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर करो। और हाँ, बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा इंपॉर्टेंट उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्लस में इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये हमारा सोशोलॉजी सेमेस्टर 3 का जिनका एग्ज़ाम 25 तारीख को है, ठीक है। जिन भी सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम कितना तारीख को है, 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 3 का, जनरल पेपर 3 का। तो इनमें से जो सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सामाजिक अनुसंधान, या तो फिर इसी को बोलते हैं अनुसंधान को शोध भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्षेत्र एवं महत्व का चर्चा करें, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, इसी क्वेश्चन को घुमा करके दे सकता है। सामाजिक शोध का अर्थ क्षेत्र एवं महत्व की चर्चा करें, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि शोध का अर्थ स्पष्ट करें, शोध से आप क्या समझते हैं, अनुसंधान का क्या अर्थ होता है, बहुत तरीका से पलट के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पहला आपका भारी भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर किया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं रेड से, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ब्लू से। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, अलग अलग पेन हो सकता है, अलग अलग कलर है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट कौन सा वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर मिलेगा इस पर भी मैं बात करूँगा लास्ट में, ठीक है। ये पहला हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखो भाई, आपको जो टोटल सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र में पढ़ना है, ठीक है, इसमें टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना है, टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। तो एक यूनिट से तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहला बता दिया, उसके बाद जो दूसरा यूनिट है ना, आपको दूसरा यूनिट के अंदर समझ जाओ, दूसरा चैप्टर ऐसा समझो जो आपका सेमेस्टर 3 में है, वो टोटल आपको कितना, जो सेमेस्टर 3 उसमें टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। कितना चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में से एक चैप्टर से ये पहला क्वेश्चन आपको फिक्स है, ठीक है, ये हो गया। बचा कितना चैप्टर, आपका 4 चैप्टर बचा, ठीक है। 4 चैप्टर में से जो दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर का हो गया, दूसरा चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर के अंदर आपके 3 क्वेश्चन बनता है, तीनों में से कोई भी दे सकता है, ये नहीं कि गारंटी कि दूसरा वाला ही देगा, तीसरा वाला ही, चौथा वाला ही देगा, ठीक है। यहाँ साक्षात्कार क्या है, इसकी विशेषता गुण का वर्णन करें, या तो प्रश्नावली की परिभाषा दें, प्रश्नावली विधि के गुण एवं दोषों की विवेचना करें, या अनुसूची की परिभाषा दें, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। तीनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के अंदर से ही लिया जा रहा है, मतलब एक ही चैप्टर के अंदर ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीनों में से किसी एक पे आ सकता है, ठीक है। तो हमें ये तीनों के बारे में जानकारी लेकर के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर भी देख लिया और दूसरा चैप्टर के अंदर ये 3 क्वेश्चन देख लिया, 2 चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 3 में कौन, क्वेश्चन नंबर 5, उपकल्पना या तो परिकल्पना भी दे सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, बात एक ही है, उपकल्पना या परिकल्पना क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। अभी तक आप लोगों को 3 चैप्टर से मैंने क्वेश्चन बता दिया, पहला चैप्टर में ये क्वेश्चन था, दूसरा चैप्टर में 3 क्वेश्चन बन रहा था, और तीसरा चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 3 चैप्टर खत्म। अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर, ये आपको 6 छोड़ देना है, ठीक है, डायरेक्टली आते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। तो 4 में आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है, जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। सहसंबंध का अर्थ एवं महत्व की व्याख्या करें, सांख्यिकी की दृष्टि से इसकी गणना किस प्रकार करेंगे, एक ये क्वेश्चन,
एंड नेक्स्ट 8 क्वेश्चन आयत चित्र यानी कि जिसको हिस्टोग्राम कहते हैं, क्या है इसके बनाने की विधि का वर्णन करिए। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, गणित में पढ़े होंगे, ठीक है, थोड़ा अटपटांग लगेगा कि ये सब जैसे सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ वाला चीज़ें उठा के दे दिया, ठीक है, बट डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो, 4 चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लास्ट चैप्टर 5 चैप्टर में। तो 5 चैप्टर में भी 2 क्वेश्चन पढ़ना है। 9 नंबर, देखो निर्जातिकी की पद्धति क्या है, इसकी प्राकृतिक विशेषताओं की विवेचना करें। देखो बुक में थोड़ा अटपटांग लिख दिया, ठीक है, बट ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, इस प्रकार से आएगा निर्वंश विज्ञान क्या है, ठीक है, ठीक है, इसकी विशेषताओं लिखें, ठीक है, तो ध्यान रखना निर्वंश विज्ञान क्या है इसकी विशेषताओं लिखें, या तो फिर देश ये हो गया आपका एक पहला क्वेश्चन, या तो फिर इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन बनेगा अंतर्वस्तु, या तो फिर सामग्री विश्लेषण की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं और उद्देश्यों का वर्णन करें, ठीक है, ठीक है। तो अंतर्वस्तु या तो फिर सामग्री विश्लेषण, बात एक ही पड़ता है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, बाकी तो नीचे और भी सारे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं कि और भी नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको मैं फाइनली रिजल्ट बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इतना सारा क्वेश्चन तो आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो आप अगर खुद पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट अगर आप हम पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो देखो जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा वो आपको करके जाना है, ठीक है। आपका सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम हुआ, मेरा प्रयास बहुत अच्छा रहा, सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी मेरा प्रयास बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पेपर सारा आपका मैच किया था क्वेश्चन। पेपर 3 में भी उसी प्रकार से मैं बल लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि कौन क्वेश्चन पढ़े नहीं पढ़े, हम आपको जो जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको करके जाना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको अभी इस वीडियो में मैंने बता दिया वो क्वेश्चन आपको करके चल जाओ, ठीक है। और बाकी के रह गए क्वेश्चन आंसर की बात, तो मैं आंसर सबसे पहले उसी क्वेश्चन का कराएंगे जो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा इन सभी क्वेश्चन में से, ठीक है, उसका कराएंगे, फिर उसका कराएंगे, फिर आगे धीरे धीरे कराते जाएंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि भले इस वीडियो में मैंने 7-8 क्वेश्चन बता दिए होंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले बताएंगे वो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फिर उससे जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, फिर हल्का उससे कम जो इंपॉर्टेंट होगा, मतलब इस प्रकार से मैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कम से कम मैं आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करा ही दूंगा हर हाल में, ठीक है। उसके बाद और अच्छा खासा अगर टाइम रह गया तो 6ठा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं रहा तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको करवा ही देंगे, और उतना पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन आपका मैच करेगा, अच्छा खासा लिख करके आप आओगे, ठीक है। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इतने स्टूडेंट देखते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से मुझे मोटिवेट मिलेगा। क्योंकि देखो अगर मेरे चैनल पर 100 आदमी है ना, तो उनमें से 100 लोगों में से 22 लोग ही सब्सक्राइब किए हैं, बाकी का सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि हम लोग को दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग अपने ओर से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।